खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट से जुड़ा हुआ अपडेट क्या है ये आप जानिए। नीट मामले में टेरर फंडिंग का शक जताया जा रहा है। महाराष्ट्र में 4 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। नांदेड़ ATS ने लातूर से भी एक को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक मामले में टेरर फंडिंग का एंगल भी आया है सामने। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में नांदेड़ की ATS ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें से एक को रविवार को लातूर से हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। ATS ने इससे पहले कल लातूर में 2 टीचर्स को भी हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ उनसे की थी। कई घंटों की पूछताछ हुई थी, लेकिन उस पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया था। अब खबर बड़ी प्रयागराज से, इसी से जुड़ी हुई। पेपर लीक मामले में STF को बड़ी सफलता मिली है। यूपी STF की प्रयागराज यूनिट ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज के कीड़गंज इलाके से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। अलग अलग राज्यों तक जहां जहां तार जुड़ते जा रहे हैं, पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। CBI भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू कर चुकी है। बिहार पहुंची हुई है CBI की टीम। वहीं अलग अलग राज्यों में भी राज्य पुलिस की तरफ से कार्रवाई देखी जा रही है। कई लोगों को इससे पहले बिहार से गिरफ्तार किया गया था, गुजरात से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, महाराष्ट्र से इससे पहले हमने आपको खबर बताई। टेरर एंगल में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। आप समझिए अलग अलग राज्यों से किस तरह से तार जुड़े थे, कनेक्शन सभी राज्यों के। अब एक एक कर जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, आगे सामने आ रहे हैं। जांच की आंच किस किस तक जाएगी अभी ये देखना होगा। CBI आज बिहार पुलिस साथ ही साथ EOU से पूछताछ कर रही है। आज पहली बैठक, जो स्पेशल टीम बनाई गई है, हाई लेवल जो कमेटी बनाई गई है, उसकी भी पहली बैठक होने वाली है। इस पूरे मामले में जांच लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 11 फरवरी को ही समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी RO के भर्ती परीक्षा का पेपर लीक के मामले में यूपी स्टेट टीम ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इस पूरे मामले में यूपी स्टेट टीम ने सुनील रघुवंशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि भोपाल की जिस प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छापने का ठेका दिया गया था, वहीं से पर्चा लीक हुआ था। और बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को ही ये पेपर है वो लीक हो गया था। सुनील रघुवंशी, जो कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर छपाई होनी थी वहीं का कर्मचारी है, उस समेत करीब 6 लोगों को यूपी स्टेट टीम ने प्रयागराज के कीटगंज इलाके से गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही। आपको बता दें कि 8 फरवरी को ही पेपर लीक हो गया था और भोपाल के होटल में ये पेपर है वो हल कराया गया था अभ्यर्थियों को, और जिसके बाद यूपीएससी टीम ने जांच के दौरान ये पूरा खुलासा किया है। RO की जो भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का पूरा मामला था, इस पूरे मामले में सुनील रघुवंशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर यूपीएससी टीम ने जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है क्या इस पूरे मामले में 6 ही लोग थे या इसके अलावा और लोग भी शामिल थे। कहीं ना कहीं RO की जो भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक का पूरा मामला था उसको लेकर यूपीएससी टीम ने बड़ा खुलासा किया। इस पूरे मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किया, तमाम सारी चीजें बरामद की है, उसको लेकर अब यूपीएससी टीम जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि नेटवर्क में कहीं और लोग तो शामिल नहीं है। फिलहाल यूपीएससी टीम की जो जांच है वो लगातार जारी है। असद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीती क्या